हेलो फ्रेंड्स, द टियारा टेक शो में आपका स्वागत है। आज हम आपको माइक्रो कंट्रोलर के बारे में बताएंगे। माइक्रो कंट्रोलर या स्मॉल साइज लो कॉस्ट कंप्यूटर होता है जो कि स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं, लाइक ऑटोमेटिकली डोर ऑपरेशन हो या टेम्परेचर ऑफ ऑन कंट्रोलिंग हो, टाइम डिस्प्ले करना हो, ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं। माइक्रो कंट्रोलर एम्बेडेड प्रोडक्ट या एम्बेडेड सिस्टम का ही पार्ट होता है। काफ़ी सारे उसके एप्लीकेशन से क्या क्या हम माइक्रो कंट्रोलर से बना सकते हैं ये भी हम देखेंगे, या क्या उससे बनता है ये जानेंगे। हम कंप्यूटर लैपटॉप से तो फेमिलियर है ही, बट इलेक्ट्रॉनिक वॉच, कैमरा, टीवी रिमोट्स, ट्रैफिक लाइट, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, डिजिटल वोल्टमीटर, एलसीआर मीटर, ब्लूटूथ स्पीकर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ओवन, ये सभी माइक्रो कंट्रोलर से ही बने हुए होते हैं। माइक्रो कंट्रोलर में प्रोसेसर, मेमोरी, आईओ पोर्ट, सीरियल पोर्ट, टाइमर एंड काउंटर, ये सभी इनबिल्ट होते हैं। इन सब के थ्रू ही स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म किया जाता है। हम माइक्रो कंट्रोलर की फैमिली भी होती है। माइक्रो कंट्रोलर की फैमिली में 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर, 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर, 32 बिट माइक्रो कंट्रोलर होते हैं। सब एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग यूज़ किए जाते हैं। उसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, काफ़ी सारे जगह अभी ये इसको यूज़ किया जा रहा है। आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो सिस्क और रिस्क ऐसे दो टाइप्स के होते हैं। सिस्क में 8051, 89S52, 2051 ये आते हैं। रिस्क में AVR, ATmega, पीक, ARM कंट्रोलर्स, ये सभी आते हैं। डिफरेंस क्या है माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर में भी जानेंगे। माइक्रो कंट्रोलर में CPU, ROM, IO पोर्ट्स, UART, टाइमर, ये सेम चिप में होते हैं, जबकि प्रोसेसर में उसको एक्सटर्नली इंटरफेस करना होता है। माइक्रो कंट्रोलर सिंगल टास्क के लिए यूज़ होता है, प्रोसेसर मल्टी टास्क के लिए यूज़ होता है। माइक्रो कंट्रोलर लो कॉस्ट होता है बट कि प्रोसेसर हाई कॉस्ट होता है। लो पावर कंजम्पशन माइक्रो कंट्रोलर का है, प्रोसेसर का हाई पावर कंजम्पशन है, क्योंकि एक्सटर्नली काफ़ी कुछ इंटरफेस किया होता है। हार्डवेयर साइज स्मॉल होता है कंट्रोलर का, हार्डवेयर साइज बिग होता है प्रोसेसर का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।